गमछा लगाए हैं ये सपा वाला, तो क्या हवा चल रही है? सपा का बहुत तेज है। हाँ निरहू का कार्य है। अरे निरहू निरहू हो गई ना, साया में लुकाए गई ना। हम साड़न से जो है ना एकदम तहलका मचल है, गन्ना बोले कुल सारे चल नौला से निरहू छोड़ ले। अरे भाई निरहू के पार्टियां छोड़ लबले यार, सिलेंडर दे दिए कौन सा? वो जब सिलेंडर मिला उस सिलेंडर का जब तक भरपाई नहीं हुआ है तब तक फ्री नहीं हुआ है, ये गलत फहमी है। कहू मर्दवाद नहीं, निरहू की बात मत करा। निरहू दूठ लौंडिया लेके नचावक चाहिए उनके जाके कि टीवी उवी पर चैनल उनल पर कि चुनाव लड़े के चाहिए। जहाजबा तो तू ही उड़ा सकल भैया, हम बनवा दिले नवा तो हम कहीं फितवा काटे के तू तो बटल बाटा काट देबा, काट के उड़ा देबा। पूरा परिवार नौकरी कर रहा योगी जी के साड़ों से, 400 हार है, 543 में 400 हार है, 143 में सिमट जाएंगे। लोकसभा का चुनाव 4 चरणों का संपन्न होने के बाद बाकी शेष चरणों के लिए अब घमासान तेज हो गया है। इसी बीच हम पहुंचे हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के, सगड़ी विधानसभा का क्षेत्र है ये, राइस मिल तिराहा बोला जाता है। यहाँ पर कुछ चाय पान की दुकान है, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे और क्या माहौल है यहाँ का। तो सबसे पहले आप वहीं से शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? रामचेत। गमछा लगाए हैं ये सपा वाला, तो क्या हवा चल रही? सपा का बहुत तेज है। हाँ निरहू का कार्य है? अरे निरहू निरहू हो गई ना, साया में लुकाए गई ना। हाँ तो कि बड़ा काम कर ले हम आपकी दोबारा फिर धर्मेंद्र कह रहा भेज दे। हाँ काम कर ले हम साड़न से जो है ना एकदम तहलका मचल है, गन्ना बोले कुल सारे चल नौला से निरहू छोड़ ले। अरे भाई निरहू के पार्टियां छोड़ लबले योगी जी ये छोड़ ले। हाँ तो ऐसे जो ना तो तब सपा के वोट दिल जाए। हाँ और कांग्रेस सरकार बनावल जाए। हाँ तो 400 पार। अरे कहत ना हम जुठन के कोनो भाषा होले, 400 पार तो मेहनत क्या कितना करत हम, चुपचाप रहता खुद 400 पार हो गए हम। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो कुछ बढ़िया काम कोना कैले हो? लगभग ना ही, वो खाली काहिल बनौले हम, पैसा दी हैं आ कहीं सब बैठ के खाओ, आ जब जांगर खत्म हो जाई तो पता चले कोनो कमाना ना पैसा मिले ना दंगरा रही। पटियत कहती हम डबल राशन देव पैसा। अरे राशन पैसा से काम ना चलिए भैया, तोहार पलटिया भी चिल्लाती है पैसा राशन देव के पैसा। अरे तब तो काम हमें रोजगार चाहिए ना, पैसा और राशन से मतलब नहीं, लेकिन योगी तो 10 वर्ष कर दिए ना, फ्री में दे रहे हैं तो फ्री काम को नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। फ्री में दे तो गड़बड़ है, तो फ्री में देवा सही रही। अरे भैया अब देवे कहत ना हम, आई तो देख काहिल बनावत हम, इनका गला बढ़ गया है। हाँ तो अब की बार यहाँ से एकदम साइकिल। हाँ धर्मेंद्र जी एकदम पार हम। हाँ आप क्या कहेंगे? आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आए हैं सट्टी पर कुछ जानने के लिए। तो हमारा यही है कहना है कि इस सरकार में मोदी जी कहे थे कि हर साल 2000 करोड़ भर्ती हम देंगे, तो ये बताइए कि 10 साल में कितने भर्ती किए हैं? जो पेपर लड़के दिए हैं वो पेपर भी लीक हो गया, एक पेपर भी नहीं उनका कि सुरक्षित रहा, तो उनको हम क्यों वोट दें बताइए? किस मुद्दे पर वोट दें? महंगाई चरम सीमा पर, गैस 400 का मिलता था अब 1100-1200 हो गया, तो किस मुद्दे पर हम वोट उनको? अरे फ्री में सिलेंडर दे दिए, राशन दिए हैं किसानों को 2000 फ्री में सिलेंडर दे दिए कौन सा? वो जब सिलेंडर मिला उस सिलेंडर का जब तक भरपाई नहीं हुआ है तब तक फ्री नहीं हुआ है, ये गलत फहमी है। बताओ यहाँ का माहौल है? निरहू उधर में निरहू मर्दवाद नहीं, निरहू की बात मत करा। निरहू दूठ लौंडिया लेके नचावक चाहिए उनके जाके कि टीवी उवी पर चैनल उनल पर कि चुनाव लड़े के चाहिए। सांसद हम, सांसद हम तो कई दिन यही न जाये, कल हम क्षेत्र में रोज रही कदा कई दिन अना है चट्टिया बगड़िया दौड़े कई दिन भेंट कई ना किस कही ना नहीं ना यार कामना कौन करे लो कामना जैसा ना तो बताओ तो हमारे रोड रोड बनवा दे रहे हैं एयरपोर्ट। वो रोड एयरपोर्ट वो बनवाए हैं एयरपोर्ट तो
नेताजी की देन है, कमिश्नरी नेताजी की देन है, पीजीआई नेताजी की देन है, क्या किए हैं बताइए? आजमगढ़ जिले में कोई काम किए हो तो बता दीजिए। जहाजबा तू कहो हम उड़ जहाजबा तो तू ही उड़ा सकल भैया, हम बनवा दिले नवा तो हम कहनी फितवा काटे के तू तो बटला बाटा काट देबा, काट के उड़ा देबा। उस जनता से पूछिए जाकर के वो कैसे बिता रहे हैं बेचारे, आकर के गेहूँ कटवा दिए, क्या उनको मिला, मुआवजा मिल गया है? वो भूखे तो मर रहे हैं, ये पूछिए उनसे जाकर के मोदी जी से। कौन आने का उनकी जरूरत थी कि अप्रैल में आए होते, मई में आए होते, गेहूं तो सुरक्षित भूसा मिलता हो बच्चों को परिवार को, ये पूछिए उनसे। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, क्या नाम है? मेरा नाम केडी चौहान है। क्या कहना चाहेंगे इस बार जो चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? भाई मुद्दा की बात तो ये है कि सबसे बड़ी मुद्दा ये है जनता का मुद्दा। अब किनको पोल करेगी जनता, भली भांति जनता को मालूम है, एक बहकावेपन का बात। दूसरा बात ये है कि कैसा बहकावा, बहकावा ये है कि आवाजें सिर्फ देते हैं, किसानों के लिए कोई कोई सहयोग नहीं दिया, किसानों का ऋण सरकार ने किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ, जबकि किसानों से ही स्टैंड सारी व्यवस्थाएं हैं पूरे, और गल्ला देने की रह गई बात, गल्ला दे रहे हैं तो ठीक है, वो अपने निजी प्रबंध से नहीं दे रहे हैं, जनता का गल्ला है, जनता का गल्ला काफ़ी स्टाफ या ब्लैकमेल पहले लोग करते थे या नहीं करते थे, लेकिन इस वक्त जो गल्ला ओवर हो रहा है तो जो आर्थिक व्यवस्थाओं से कमजोर हैं उनको गल्ला तो मिल रहा है, तो अच्छी बात है, दरअसल में इससे हमको खेद नहीं है, लेकिन इससे मिलने से जो है कि एक जाहिलीपन लोगों को कमजोरी दे रही है सरकार, क्योंकि उसका अपने पैर से स्टैंड नहीं होगा, वो एक तरीके का वो ठीक काम नहीं है, वो इसलिए राशन जैसे सरकार दे रही है तो आप बता रहे हैं कि वो तो ये विपक्ष भी उस वादा कर रहा है कि हम भी देंगे, राशन से काम नहीं चलने वाला है। दे रहे थे हम 10 किलो, मैं बता रहा हूँ आपको, राशन से काम नहीं चलने वाला है, अगर वो कह रहे हैं कि हम भी देंगे तो वो सरकार सरकार का मामला है, लेकिन जनता को ये भली भांति मालूम है कि राशन देने से काम नहीं चलेगा, बच्चों को रोजी रोजगारी बेरोजगार से एकदम परेशान है बच्चे, पढ़ लिख करके क्या करेंगे जब वो कोई रोजगार सरकार नहीं देगी। तो इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे, मतलब यहाँ का कोई स्थानीय मुद्दा है या जनता, और जनता मेन मुद्दा यहाँ पूर्वांचल में क्षेत्रीय लोग किसान लोग हैं, किसानों के लिए कोई किसानी ऋण माफी नहीं दिया गया, कोई तमाम सारे बैंक जो है उनको इधर उधर का कर रहे हैं कि सरकार केयर करेगा, क्या केयर कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कमजोर। चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है, परिचय बताइए? मुंशी यादव रशीदाबाद। इस बार का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप लोग किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करेंगे? देखिए महंगाई बहुत तगड़ी है, बेरोजगारी तरफ सीमा पर है, और सबसे बड़ी है कि पूरा परिवार नौकरी कर रहा है योगी जी के साड़ों से, इसलिए कि सूटा साड़ छोड़ दिए हैं, और रात को भी खाते हैं, दिन को खाते हैं, आधा परिवार दिन की निगरानी करता है, आधा परिवार रात को निगरानी करता है, हम लोग को बड़ी इतना बढ़िया नौकरी मिल गई है कि अपने खेतों में सोएगा, लेकिन उनकी मजदूरी नहीं मिलती, नुकसान हो जा रहा है। तो यहाँ जैसे जो सांसद हैं दिनेश लाल निरहू, सपा से धर्मेंद्र हैं, बसपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, तो इन लोगों की इस बार लड़ाई कैसी? लड़ाई देखिए यहाँ किसी से लड़ाई, धर्मेंद्र सबसे आगे है, धर्मेंद्र सामने कोई लड़ाई भी नहीं है, सेकेंड पर आ सकते हैं निरहू, लेकिन वो हवा नहीं है जो मध्यवर्ती चुनाव हुआ था, वो कुछ दूसरी लहर थी, लेकिन वह विचार सबका नहीं है, धर्मेंद्र बहुत मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र की लहर यहाँ चल रही है, साइकिल की लहर चल रही है, बेरोजगारी को पाकर हर नौजवान हर युवा जो तैयार है समाजवादी को देने के लिए, मेरा इंडिया का बंधन को तैयारी है। मोदी जी तो बहुत दावा कर रहे हैं कि काम किए हैं, मंदिर बन गया, 370 हटा दिए, 370 हटा दिए ठीक है, हम लोग भी खुश हैं, लेकिन यहाँ से कोई हमको वहाँ से मार्जिन है नहीं, हम उतना हमारे पास है कि हम जाएंगे वहाँ काश्मीर जम्मू में जमीन देंगे या कोई धंधा कर सकते हैं,
मंदिर बनवा दिए, बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन इनके बनवाने से कोर्ट बनवाई है, कोर्ट के फैसले से बनाया, ये नहीं रहते तभी वो बनता, कोर्ट फंसा देती, कोई सरकार नहीं बनाती। वो तो कह रहे हैं कि हम ही लोग बनवाए हैं। नहीं, ये तो उसका श्रेय ले रहा है, झूठे श्रेय ले रहा है। तो हर बात की जुमला होती है ना, जुग चुपते जुमला बोलते हैं। मंदिर के बनने से उसका इस चुनाव कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई असर नहीं है, वो प्रभाव प्रतिष्ठा जो किए थे वो गलत तरीके से किया, गलत श्रेय लेना चाहते थे, वो श्रेय लेने के लिए वो सब किया, कोई उससे फायदा है नहीं उसका। हाँ, जुमला से पहले एक बार दो बार सरकार बना लिया, पहले बार 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, लेकिन कुछ दिए नहीं ना, सब जुमला निकला ना। और इस बार जो वादा करे वो सब जुमला, ये नहीं उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, कुछ भी बोले जनता विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि वो सब जुमला। आप बता रहे हैं कि उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, अगर उनकी बात पे लोग विश्वास नहीं करते तो कैसे वो जीत जा रहे हैं हर बार? नहीं, हर बार जीते जुमला से जीते हैं ना, इस बार नहीं जीत पाएंगे, इस बार धराशायी है, यूपी में 80 सीट है ना, 30 से आगे नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 हार है, 543 में 400 हार है, 143 में सिमट जाएंगे। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। नहीं, नहीं। कहाँ हो तो समदार, चुनाव आ गए है, ए बार ओटवा के दिया? ओटवा के दिया? ओटवा के दिया, जब समय आई तो बतावल जाए। तो ये थे यहाँ के कुछ लोग, और ये लोग चुनाव को लेकर अपनी राय बताए। अब हम चलते हैं किसी दूसरी जगह पे और वहाँ से लोगों की राय लेंगे, तब तक आप देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।